आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह से चिल्ली पटेटो। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ रीमा, आप सबका स्वागत करती हूँ रीमा किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली पटेटो। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही घंटे के निशान को दबाए ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चिल्ली पटेटो बनाने के लिए यहाँ पर 4 से 5 बड़े साइज का आलू लिए हैं। इसे छीलकर इस तरह से लंबे लंबे काट लिए हैं, जिस तरह से हम लोग फ्रेंच फ्राइज का आलू को काटते हैं ना, सेम उसी तरह से आलू को काटना है। और सभी आलू को साफ पानी से धो लिए हैं। अब इसे एक बड़ा बर्तन में रख लेती हूँ। सभी आलू को एक मिक्सिंग बाउल में रख लिए हैं। अब इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी नमक। अब इसे अच्छी तरह मिला लेती हूँ। आलू में कॉर्नफ्लोर और नमक को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर तेल को गरम कर लिए हैं। अब इसमें आलू डालकर फ्राई करना है। आलू को तेल में डाल दिए हैं। 2 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और इसी तरह अलट पलट कर फ्राई करेंगे। आलू को अच्छी तरह से पक जाने तक फ्लेम को तेज रखे हैं। आलू फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से सभी आलू को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, बीन्स, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, सभी को रफली चॉप कर लिए हैं। यहाँ पर सेम फ्राई पैन को गरम कर लिए हैं। अब इसमें 2 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होते ही इसमें जाएगा कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च, तीस सेकेंड इसे इसी तरह भून लेना है। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। अब इसमें जाएगा प्याज, बीन्स, गाजर, एक मिनट सभी को इसी तरह चलाते हुए भूनना है। एक मिनट हो गया है तो अब इसमें जाएगा शिमला मिर्च, नमक 1/2 चम्मच, नमक शिमला मिर्च को मिला लिए हैं। एक मिनट सभी को इसी तरह भूनेंगे। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, टमाटो सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 छोटी चम्मच रेड चिल्ली सॉस। सभी सॉस को अच्छी तरह मिला लेती हूँ। सभी सॉस को मिला लिए हैं। यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लिए हैं। अब इसमें डाल देती हूँ
30 सेकंड सभी कुछ को इसी तरह चलाते हुए पकाना है। यहीं पे अब जाएगा फ्राई किए हुए आलू। आलू को अच्छी तरह मिला लेती हूँ। सभी कुछ को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसे एक मिनट इसी तरह पकाना है। फ्लेम को मीडियम ही रखे हैं। एक मिनट सभी कुछ को पका लिए हैं। ये चिल्ली पटेटो तैयार हो चुका है। अब गैस बंद करके इसे सर्व कर लेती हूँ। ये चिल्ली पटेटो बनके तैयार हो चुका है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएँ ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार। We'll be right back.